नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। 2020 हरियाणा करंट अफेयर हमने स्टार्ट किए, अभी तक हम चार लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर है 2020 का, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम अप्रैल के बाद जो मई मंथ का जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी लेंथी होने वाला है, काफी सारे क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट, तो इसको अंत तक आप देखें और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। अभी तक वो चार लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे ग्राम सचिव हो, SI का हो, नर्स का हो, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में इनसे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। इससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। तो नमस्कार एक बार फिर से, और हम शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 करंट अफेयर की। पार्ट 5 है ये, अप्रैल तक हो चुका है, इसमें हम मई 2020 का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर इरफान खान बहुत ही बेहतरीन हीरो थे और जिनका निधन हो गया, उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग की थी, कहां पर, कौन से जंक्शन पर, रेलवे जंक्शन पर। ठीक है, हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, जो 1873 में बना था। यहां पर दिल्ली वाया रेवाड़ी ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, यहां पर, तो रेलवे जंक्शन पे इन्होंने जो है शूटिंग की थी। ये प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान, इनका जो है निधन हो गया, ठीक है, इनको कैंसर था, और उन्होंने अपनी फिल्म सिंगल की जो शूटिंग है वो हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट पेश करने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पेपरलेस, पहले क्या होता था, जब भी बजट लेके आती थी सरकार तो क्या होता था कि पूरी जो है पेज का एक पूरा पोथा लेके आते थे और उसके माध्यम से जो है बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब की बार जो है टैब के माध्यम से जो है बजट को पेश किया गया। एक टैब लेके आए, उसमें सारी की सारी, जैसे अभी मैं आपको इन PPT या स्लाइड के माध्यम से करवा रहा हूँ, ऐसे ही उन्होंने जो है बजट का जो है पेश किया। किसने किया बजट, कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। तो इन्होंने 28 फरवरी 2020 को जो है बजट पेश किया हरियाणा का, ठीक है, 2020-21 का ये बजट है, वो टैब के माध्यम से जो है बजट को पेश किया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर हरियाणा बिजली निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की गलत रीडिंग को ठीक करने के लिए किस सुविधा को शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि रीडिंग की बहुत सारे लोगों की ये जो है समस्या रहती है कि बिल ज्यादा आ रहा है, रीडिंग ज्यादा ले ली, तो उसके लिए जो है ट्रस्ट रीडिंग नाम से जो है शुरुआत की है हरियाणा ने इस सुविधा की, ठीक है। ये इसमें दोनों, उत्तरी हरियाणा बिजली निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की जो गलत रीडिंग है उसको ठीक करने के लिए इसकी शुरुआत की है ट्रस्ट रीडिंग की। क्लियर है। चलिए इस सुविधा के तहत क्या है, आप गलत रीडिंग आने पर ऑनलाइन ही सही रीडिंग दर्ज करवाकर बिल को ठीक करवा सकते हैं। इस सुविधा की फिलहाल प्रदेशों में जो है 42 सिटी के अंदर इसको शुरू किया गया है, 42 सिटीज के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए सरसों की खरीद के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार मंडियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 143 कर दी, 143, ठीक है, 143, ठीक है, समझ गया। चलिए 143 कर दी, पहले कितनी थी, 66 थी, कितनी थी, 66 थी, ठीक है, तो अब कितनी बढ़ा दी वो आप घटा बढ़ा के आप देख लेना कि कितनी बढ़ा दी, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कितनी, 44 ये होगी और 43 ये होगी, तो कितनी होगी, 74 होगी क्या, सॉरी हाँ कितनी होगी, 84 होगी, हाँ, तो कर लेना आप इतनी बढ़ा दी गई है। अब 143, आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो सरसों का उत्पादन है वो कहाँ होता है, महेंद्रगढ़ में होता है, कहाँ होता है, महेंद्रगढ़ में। सरसों उत्पादन में अब की बार हमारे को कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया,
मिला था ना कृषि कर्मण पुरस्कार, किसने दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये हमें दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो निदेशक हैं वो किन्हें बनाया गया है? डॉक्टर बी एस सहरावत, ठीक है, उनको जो है निदेशक बनाया गया राष्ट्रीय बागवानी मिशन का, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक अर्जुन सिंह सैनी को बनाया गया है, अर्जुन सिंह सैनी को। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों को कौन सा ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए? आरोग्य सेतु, और जो हरियाणा के कर्मचारी थे उनको तो अनिवार्य कर दिया था कि सभी के आप सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनके जो है मोबाइल फोन के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर आपका जो है आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मंडियों में फलों और सब्जियों की बिक्री पर कितने प्रतिशत मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया है? तो 1% जो है मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया है, ठीक है। फल और सब्जी मंडी की बिक्री पर कितने मार्केट के अंदर 1% जो 1% है लगाने का निर्णय लिया है मार्केट फीस, ठीक है, 1%। हरियाणा सरकार ने 30 जून तक एमएसएमई उद्योगों के कर्मचारियों के वेतन के लिए लोन लेने पर कितने महीने का ब्याज माफ करने का फैसला किया है? कि आप लोन लेते हैं तो उसके 6 महीने का जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा। एमएसएमई हरियाणा बहाली ब्याज लाभ योजना के तहत 6 मंथ तक का जो है ब्याज है वो आपको नहीं लगेगा यदि आप कोई लोन लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो ये गन्नौर सोनीपत के अंदर, गन्नौर सोनीपत के अंदर, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि हरियाणा में जो है कमेंट करके बताना है कि फूल मंडी कहाँ पर है, फूल मंडी कहाँ पर है, और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है सेब मंडी कहाँ पर है। दोनों ही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्याय वितरण प्रणाली में और अधिक तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक के सिस्टम पे काम हो तो हरियाणा सरकार ने किस सिस्टम को लागू किया है? तो न्याय के वितरण प्रणाली के अंतर्गत फास्ट ट्रैक के लिए जो हरियाणा सरकार ने क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू किया है, ठीक है। चलिए अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा केरल में फंसे कितने पूर्व सैनिकों को वापस लाने की योजना तैयार की है? तो ये है 22। तमिलनाडु में फंसे हुए इन युवाओं को जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वहां जो है मदद पहुंचाई थी। केरल में फंसे थे पूर्व सैनिक, उनको जो है मदद किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा। ये कौन से नंबर के डिप्टी सीएम है? छठे नंबर के हैं। पहले कौन थे? चांदराम। कौन थे? चांदराम, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोनीपत में रामपुर की पंचायत ने, सोनीपत में रामपुर गांव है उसकी पंचायत ने सीएम रिलीफ फंड, जो कोविड-19 को लेके, सीएम रिलीफ फंड जारी किया गया था उसमें जो है 2,51,00,000 रुपए की राशि का योगदान दिया रामपुर की पंचायत ने जो सोनीपत जिले में पड़ती है। सोनीपत जिले की हम बात करें तो वो सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार उसमें कम सेक्स रेशियो है, सबसे कम तो किसमें है? 854 गुरुग्राम की हम बात करें, और उसके बाद 2011 के अनुसार इसी का नंबर आता था 856 सोनीपत, ठीक है, समझ आ गया आपको। सबसे ज्यादा की हम बात करें तो नू की हम बात करते हैं, ठीक है, 907, और उसके बाद फतेहाबाद की हम बात करते हैं जिसमें ज्यादा सेक्स रेशियो है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 7 जिलों में गिरते हुए जल स्तर, पानी का जो जल स्तर है वो और नीचा जा रहा है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा राइस जो है लगाते हैं और इसमें पानी की खपत है वो बहुत ज्यादा होती है, हम पानी नीचे से निकालते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल के माध्यम से, तो जल स्तर है वो नीचा हो जाता है, बारिश वो आजकल बहुत कम होती है। तो क्या हुआ, सरकार ने फैसला लिया कि यहाँ पर किसान पट्टे पर जमीन को नहीं ले पाएंगे। ये 7 जिले हैं, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, जींद, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, ठीक है, पट्टे
पट्टे पे नहीं, मतलब जो ठेके पे लेते हैं जैसे पट्टे पे, फिर क्या होता है वो धान वगैरह ज्यादा लगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहाँ पानी की जो मात्रा है वो फिर और घट जाएगी, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है, चलिए। और वैसे जो जल स्तर के लिए एक और जल ही जीवन के माध्यम से कहा था कि जो पंचायती जमीन है उसमें राइस नहीं लगाया जाएगा, ये भी सरकार ने फैसला लिया। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है बच्चों? हिसार में है। हिसार में है, आप सब जानते हैं 2 फरवरी 1970 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय की किस संस्था के द्वारा रोजगार सर्जन करवाने के लिए 5 दिवसीय वेबिनार, जो वेबिनार है वो आयोजित किया गया? तो ये साइना नेहवाल, देखिए साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खिलाड़ी है उनका जन्म यही हुआ था हिसार के इसी जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में आयोजित किया गया हिसार के अंदर ही। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के संस्कृत अकादमी के निदेशक किन्हें बनाया गया है? संस्कृत अकादमी के जो निदेशक हैं वो डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा है। डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा किसके हैं? संस्कृत अकादमी के निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को राहत देने के लिए पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाने का निर्णय लिया है? तो ये रोहतक से पटना, पटना कहाँ है? बिहार, पटना हाजीपुर, सुना होगा ना, जब महात्मा गांधी सेतु है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 ट्रेनों को चलाने का आदेश दिया है ताकि श्रमिकों को जो है लिए मतलब उनको जो COVID-19 के दौरान समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, कोरोना के चलते हरियाणा सरकार को हर महीने कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? तो कहते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है हर महीने सरकार को हो रहा है। हरियाणा में 25 मार्च 2020 से दूसरी बार शराबबंदी की गई। हरियाणा में पहली बार शराबबंदी कब की गई थी? देखिए एक बार शराब को बंद किया गया लेकिन बाद में इनको खोल दिया गया, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसी जो हम बात करें शराब से ही आता है, तो इसको दोबारा से फिर स्टार्ट कर दिया, लेकिन 25 मार्च 2020 को एक बार शराब को जो है बंद किया था। फर्स्ट टाइम है जो शराबबंदी वो जुलाई 1996 में हुई थी, बंशीलाल के टाइम में। 1996 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बंशीलाल, उन्होंने शराब बंद कर दी थी, और फिर 1 अप्रैल 1998 को इसको वापस ले लिया था। मतलब 1996 से 98 तक जो है ये शराबबंदी हुई थी। क्लियर है? अगला है, हरियाणा सरकार के द्वारा कोरोना के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो पढ़ता हरियाणा नाम से जो है मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। पंचकुला में 200 टन तक की लोडिंग और अनलोडिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो वेडिंग मशीन का निरीक्षण किन के द्वारा किया गया? तो ये सीएम ने यहाँ पर निरीक्षण किया, जो लोडिंग और अनलोडिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी उसका। ठीक है, 200 टन तक मतलब वेट क्षमता है इसकी, कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। चलिए, हरियाणा की नई पॉलिसी के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में चल रहे अनाथालय के बच्चों को कितने रुपए प्रतिमा आर्थिक मदद मिलेगी? ठीक है, तो ये मिलेगी 1,400 रुपये प्रतिमा, इनको जो है आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, अनाथालय के बच्चों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हरियाणा में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा? हाईटेक कितने को? 491 जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको हाईटेक बनाया जाएगा। ये डाटा आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ऐसे ही आंकड़े जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, हरियाणा सरकार के द्वारा बहादुरगढ़ में, जो कहां पर पड़ता है बहादुरगढ़? झज्जर में। ये क्या है? हरियाणा का प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार। पार्ले जी बिस्कुट भी है ना बहादुरगढ़ में बनते हैं। तो बहादुरगढ़ में लोगों के घर तक सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सी मुहिम चलाई है? तो महारी दुकान, महारी दुकान नाम से जो है एक मुहिम चलाई है। कहां से? बहादुरगढ़ से। अगला है, हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए पहली श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये हिसार से लेके कटिहार तक गई है। ये ट्रेन 6 मई 2020 को 1200 श्रमिकों को लेकर यहां से चली थी। कहां से? हिसार से चली थी कटिहार तक। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। अब हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को खोलने की अनुमति किस प्रकार से मिलेगी? देखिए आपने देखे होंगे आजकल जगह जगह प्राइवेट स्कूल हैं। हमें ऐसा लगता है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में अच्छी स्टडी होती है, गवर्नमेंट की तरफ ध्यान नहीं है, सरकार भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, तो सरकार अभी थोड़ा इस चीज पे स्टेप ले रही है। अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, तो अब हरियाणा में क्या है अभी, हाँ ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा राज्य जो है न्यू पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये हरियाणा ही बना है भाई, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। अब हरियाणा में प्राइवेट स्कूल खोलने और उनको अपग्रेड करने और उनमें अतिरिक्त विषयों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन मंजूरी लेनी होगी उनको, ऑनलाइन मॉड्यूल के द्वारा। किसके द्वारा? ऑनलाइन मॉड्यूल कर दिया तैयार, उसके द्वारा उनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है 500 रुपए का, 500 रुपए का, और मास्क के लिए एक बार 500 रुपए किया, फिर इसको बढ़ा के 1000 रुपए भी किया। बहुत ही कम चांस है ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है और ना भी आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बाद में बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया था, पहले 500 था, ठीक है। तो 2 गज दूरी वाला है, उस सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पे भी 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते यमुनानगर के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने कोटे की कितनी प्रतिशत राशि सरकार को देने का फैसला लिया? 50%, ठीक है, 50% राशि है वो जो है देने को, सरकार को देने का फैसला किया, ठीक है। यमुनानगर के सभी कैबिनेट मतलब जितने भी मंत्री हैं, मतलब उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग की ओर से प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को कितने दिन का मिड डे मील जो है देने के निर्देश जारी किए गए? प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को 48 दिन तक जो है मिड डे मील देने के निर्देश जारी किए गए, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के किस आईएएस अधिकारी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण बाजार को जो है नियुक्त किया गया है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसकी जो है निर्देशक के रूप में इनको यहाँ नियुक्त किया गया है, आईएएस अधिकारी है। वर्तमान में हरियाणा के पूर्व डीजीपी, अब डीजीपी कौन है हरियाणा का, डीजीपी कौन है? मनोज यादव है ना, ठीक है। तो जो हरियाणा के पूर्व डीजीपी रहे एचआर सवान का निधन हो गया, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हुरन पॉलिसी जो पुस्तक है, हुरन पॉलिसी, ये किसकी थी? डीजीपी एचआर सवान की थी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो कोरोना वायरस में सबसे आखिर में प्रभावित हुआ? तो वो रेवाड़ी, रेवाड़ी जो है सबसे अंत में जो है ये प्रभावित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 6 मई 2020 को। योजना के तहत धान के अलावा दूसरी फसल बोने पे 7000 रुपए प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप मक्का बो, ज्वार बो, जो भी बोना है, मतलब धान ना बोएं, उसके अलावा जो बोएंगे तो आपको 7000 रुपए जो है, बाजरा बो सकते हैं, तो 7000 रुपए प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बस आपको धान नहीं बोना है। हरियाणा के 13 ब्लॉकों में पंचायती जमीन पर धान की बुआई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। मैंने बताया था कि सरकार ने जो ये जब डिसीजन लिया तब लोगों ने इसका विरोध किया, तो फिर सरकार ने कहा कि अब जो ये डिसीजन है ये पंचायती जमीन पे लागू होता है 13 ब्लॉकों के, ठीक है। तो वहां पर जो पंचायती जमीन है वो पूर्णतः प्रतिबंध है, उस पे आप धान नहीं लगा सकते, ठीक है। हरियाणा सरकार ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ली जाने वाली मार्जिन राशि को घटाकर कितना कर दिया? लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ली जाने वाली मार्जिन राशि को घटाकर कितना कर दिया? अब 15% कर दिया। कितना कर दिया? 15%, ठीक है। इसके अलावा 20 किलोवाट तक के कृषि आधारित उद्योगों के लिए बिजली की दर को 4.5 रुपए मतलब 4 रुपए जो 75% कम कर दिया है इसको। और हरियाणा में 1.08 लाख हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 85% अनुदान का सभी वर्ग के किसानों को 2019 से दिया जा रहा है, 85%, ठीक है, अनुदान। मतलब छोटे लेवल पे जो सूक्ष्म लघु कृषि जो भी है इसके लिए कितना, 85% का अनुदान सभी वर्ग को ये
हरियाणा सरकार ने कैदी जो कैदी होते हैं उनकी पैरोल को कितने दिन जो है कितने दिन और बढ़ाने का फैसला लिया, तो ये 6 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है। कोविड के दौरान ऐसा लिया गया फैसला। किस देश की कंपनी हरियाणा में जो है रैपिड टेस्ट किट बना रही है? ठीक है, रैपिड टेस्ट किट तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। यह कंपनी हर महीने 15 लाख किट तैयार करती है। कितनी? 15 लाख किट। दक्षिण कोरिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है। ठीक है, उत्तर कोरिया तो आपको पता ही है, वो तानाशाह है वहां पे, किम जोंग। हरियाणा में टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला कौन सा बना? तो ये यमुनानगर बना। कौन सा बना? यमुनानगर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको? चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते हरियाणा में किस योजना के तहत औद्योगिक विस्तार किया जाएगा? तो ये योजना है क्लस्टर योजना के तहत। यह योजना हरियाणा के सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। 22 जिलों में। अंतिम जिला कौन सा बना अपना? चरखी दादरी बना था ना, कब बना? 4 दिसंबर 2016 को, 4 दिसंबर। ठीक है, चंडीगढ़ की सुखना लेक, सुखना लेक चंडीगढ़ में ना, सुखना लेक कब बनी थी? 1958 में। तो कैचमेंट एरिया में निर्माण की अनुमति देने पर हुए नुकसान के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोनों को, पंजाब को भी और हरियाणा को भी, 100-100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। आप सब जानते हैं चंडीगढ़ है, इसके अंदर लोकसभा की एक सीट है और किरण खेर है वहां से लोकसभा सांसद, जो अनुपम खेर की घरवाली है। और यहाँ पर जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही प्रशासक होता है, तो पंजाब का राज्यपाल बीपी बीपी सिंह बदनौर है। ठीक है, तो वही ये इसका संचालन करता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पहले कोरोना मुक्त बनने वाला जिला कौन सा बना? तो वो बना अंबाला। कौन सा बना? अंबाला। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी पेंशन में से कितने रुपए कोरोना रिलीफ फंड में दिए? तो उन्होंने 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए का चेक है वो कोरोना जो है कोरोना रिलीफ फंड में दान दिया। ठीक है, हरियाणा की किस बेटी को कानपुर में सहायक कलेक्टर, एडिशनल जो होता है सहायक कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? पूजा यादव को। किसको? पूजा यादव। तो पूजा यादव कहाँ की है? रेवाड़ी जिले के जैनाबाद गांव की है। कौन से गांव की है? जैनाबाद गांव की। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए अलग से सीट आरक्षित की गई है? तो ये गुरु जम्मेश्वर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, जो 1995 में बनी थी, गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर जो है इसका जो आश्रितों के लिए सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, प्रोफेसर टंकेश्वर इसके वाइस चांसलर है, प्रोफेसर टंकेश्वर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए हरियाणा की किस पंचायत को चुना गया है? तो कहानोर जो पंचायत जिला रोहतक में पड़ती है, इसको जो चुना गया है, और इसमें जो पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए इस अवार्ड के तहत दिए जाते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के तहत। कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी, टनल होता है ना, वो कहाँ पर बनाई गई है? वो हिसार के अंदर टनल युक्त मंडी जो है बनाई गई है, हिसार में। हरियाणा सरकार द्वारा बजट 2020-21 में अगले कितने वर्षों के लिए 1 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती के विस्तार हेतु योजना बनाई गई है? तो अगले 3 वर्षों में, अगले 3 सालों के अंदर जो है 1 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कितने लाख एकड़ खेती को जैविक बनाने के लिए 3 वर्षों के लिए टारगेट है? तो 1 लाख जरूर नहीं है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आई। ठीक है, समझ आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस लड़के ने एक पॉपुलर टीवी शो जो एमटीवी रोडीज में एंट्री की है? तो वो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा सुना होगा, ये इसका नाम है। अल्फा बीटा हरियाणा में करनाल जिले के गांव दादूपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दादूपुर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में हरियाणा द्वारा किसानों, अध्यापकों, छात्रों, पंचायती जनप्रतिनिधियों, अध्ययन के भ्रमण के लिए मतलब घूमने के लिए विदेशों में भेजने के लिए कौन से विभाग का गठन किया है? तो ये विदेशी सहयोग विभाग का गठन किया है। ठीक है, किसने किया है? हरियाणा ने। यह विभाग प्रतिवर्ष 500 लोगों को विदेशों में भ्रमण के लिए भेजेगा, जो वहां से कुछ नई चीजें सीख के आएंगे। अच्छी बात है ये तो। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी पॉलिसी जो है के लिए कौन सी पॉलिसी खत्म की है? तो बैंकों में दी जाने वाली कोलेटरल गारंटी पॉलिसी को जो है सरकार ने समाप्त कर दिया है। कोलेटरल जो पॉलिसी है उसको, कोलेटरल गारंटी पॉलिसी है उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। यमुनानगर का कौन सा ब्लॉक डार्क जोन से बाहर किया गया है? तो रादौर, रादौर को जो है इस ब्लॉक से बाहर कर दिया। अब यहाँ किसान धान की रोपाई कर सकेंगे। पहले ये ब्लॉक डार्क जोन में आता था, अब यहाँ पर जो है किसान धान की रोपाई कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अब हरियाणा सरकार की किस प्रकार की जमीन पर उद्योग लगाने की तैयारी कर रही है? तो पंचायती जमीन है, उस पे सरकार छोटे छोटे उद्योग लगाने की जो स्टार्टिंग करेगी, जिससे वहां के जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, जो गांव के जो विलेजर हैं, उनको जो है यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कितने लोगों को होम्योपैथिक दवा बांटने का ऐलान किया है? तो ये 20,000 लोगों को जो है उसने होम्योपैथिक दवा बांटने का जो है जिम्मा उठाया है, ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने किस मिशन के तहत 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जल ही जीवन मिशन के तहत है। हरियाणा के 2022 तक का टारगेट है सभी जो है घरों में पानी पहुंच जाएगा। प्रश्न कैसे आ सकता है? जल ही जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हरियाणा के सभी घरों में पेयजल कनेक्शन पहुंचने का टारगेट है? 2022 तक, ऐसा प्रश्न आ सकता है। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर क्या रख दिया? नाम बदलने का बहुत सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे नाम बदले गए हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी परिषद इसको कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया? हरियाणा राज्य विज्ञान एवं नवाचार प्रौद्योगिकी परिषद। अगला है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, इसार को स्टील सिटी बोलते हैं। तो जिंदल जो स्टेनलेस लिमिटेड है, इसार को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए, पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ये पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। और ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है गुरुग्राम में? बॉन्डसी। कौन सा है? बॉन्डसी। ठीक है, और करनाल में कौन सा है? मधुबन। रोहतक में कौन सा है? सोनारिया। ठीक है, और एक हिसार हो गया, ये चार है ना महिलाओं की, हिसार में होती है। पुलिस स्टेशन 34 है महिलाओं के। ठीक है, साइबर क्राइम का पुलिस थाना कहाँ है? गुरुग्राम में है। पुलिस जिले कितने हैं? दो हैं, आसी और मानेसर। ठीक है, मानेसर को नया नगर निगम, जो 11वां नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी गई है। चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना में शामिल क्षेत्रों की पहचान कैसे की जाएगी? तो जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचा है उनको जो है जो उनकी पहचान की जाएगी इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की पहली मॉलिक्यूलर लैब है वो कहाँ पर शुरू की गई है? तो पंचकुला में मॉलिक्यूलर लैब है, जो वो कहाँ पर शुरू की गई? पंचकुला के अंदर। इस लैब को 24 घंटे चलाने का फैसला किया गया है। अब 24 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अंदर लोगों को जो है वो एक घंटे में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसे नहीं भी अगले दिन आएगी, 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इसको अब 24 घंटे चलाने का फैसला किया है। हरियाणा की छठी मॉलिक्यूलर लैब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। हरियाणा की छठी मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अनिल विज ने, स्वास्थ्य मंत्री भी है ना ये। हरियाणा सरकार ने जो है स्टूडेंट के एजुकेशन लोन का कितने महीने तक का ब्याज भरने का जिम्मा लिया? ब्याज सरकार भरेगी 3 महीने तक का। कितने महीने का? 3 महीने का जिम्मा सरकार ने उठाया।
सोमालिया एक देश है। सोमालिया में शहीद हुए भारतीय जवान गौरव दत्त शर्मा हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये थे झज्जर जिले के। झज्जर को हम शहीदों का शहर कहते हैं और उनका गांव है कबलाना। तो ये जो है सोमालिया देश में शहीद हुए थे। गौरव की जो शादी है वो 16 फरवरी 2020 को हुई थी और महज 99 डेज के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं 25 मई को इनको जो है इनकी जो है ये इनको शहादत मिली, मतलब ये शहीद हुए। ठीक है। हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये जींद जिले के गांव मोरखी में स्टार्ट किया गया है। यह ग्रिड 1.2 मेगावाट क्षमता का है। अब जरूरी नहीं है यही पूछा जाए कहाँ शुरू किया गया है, पूछ लेगा जींद जिले में जो पहला ग्रिड लगा है उसकी कैपेसिटी कितनी है क्षमता, तो आप बताओगे 1.2 मेगावाट है। हरियाणा का 14 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार पहला ऐसा ग्रिड है जो बायोगैस पर आधारित है। अब पूछ लेगा कि बायोगैस पर आधारित जो जींद में जो बनाया गया है पावर ग्रिड उसकी लागत कितनी है, तो आप बताओगे 14 करोड़ में ये तैयार हुआ है। उत्पादन 25 लाख यूनिट प्रतिवर्ष होंगी इसमें। इस प्लांट में 180 टन प्रतिदिन जैविक कचरे का प्रयोग किया जाएगा। 15 टन प्रतिदिन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही बेनिफिशियल है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जैविक बोर्ड का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो गुलशन आहूजा को। किसको बनाया गया है? गुलशन आहूजा को जो है जैविक बोर्ड का क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, 2018-19 में हरियाणा में खाद्यान्न का उत्पादन कितने टन किया गया? तो 24 लाख मीट्रिक टन। 24 लाख मीट्रिक टन। क्लियर है भाई, समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी को स्थापित करने की अनुमति किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? तो ये जो जैविक की हम बात करें प्रमाणीकरण एजेंसी, तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार को ये जो है अनुमति दी गई है। समझ आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा घूम रहे पशुओं को आश्रय देने के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा? तो पशुधन सर्वेक्षण समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग खंडों में 225 समितियों का गठन किया जाएगा ताकि जितने भी आवारा पशु गाय जितने भी जो घूम रहे हैं बैल हैं तो उनको जो है आश्रय मिले। हरियाणा में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर खरे। चंद्रशेखर खरे इंपोर्टेंट है, उपभोक्ता मामले के निर्देशक हैं चंद्रशेखर खरे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में जो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो नरेश सिंह शेखावत। नरेश सिंह शेखावत, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है अतिरिक्त महाधिवक्ता रूप में। ये महेंद्रगढ़ के हैं और बता दूं वर्तमान में जो एडवोकेट जनरल है वो बलदेव राज महाजन है। बलदेव राज महाजन, ठीक है, एडवोकेट जनरल है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रदेश में प्रदूषण कम न करने के कारण किस पावर प्लांट पर जुर्माना लगाया गया है? तो पानीपत जो थर्मल पावर प्लांट है उस पे जुर्माना लगाया है प्रदूषण कम न करने पर। जो सीपीसीबी की कार्यवाही पानीपत थर्मल जो पावर प्लांट है उसको 2.70 करोड़ रुपए का जुर्माना भर जाना उनको ये भरना पड़ेगा क्योंकि वह प्रदूषण ज्यादा फैला रहा है। ठीक है। कोरोना वायरस के चलते अब तक प्रदेश में सबसे अधिक मौतें किस जिले में हुई? तो वो हुई फरीदाबाद में, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के अंदर। प्रदेश में अब तक 64.39% लोग जो है
संक्रमित हो चुके हैं वहां के। सबसे अधिक मौतें भी फरीदाबाद में हुई हैं। कहते हैं कि हर रोज औसतन 41 मामले इसमें जो है सामने आ रहे हैं कोरोना से रिलेटेड। ठीक है, हरियाणा में ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत हम बात करें तो ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत धान की जगह कौन सी दूसरी फसल बोने पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। अब बात आ रही है कि ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत जो है आप धान ना वो और फसल बोगे तो 85% का जो है अनुदान जो है दिया जाएगा। कितने परसेंट का? 85% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिड्डी दल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। टिड्डी का आया था ना पाकिस्तान से जो टिड्डी, तो उनका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार कैंसर और किडनी को प्रतिमा जो कि इस बीमारी से जो ग्रसित है उनको प्रतिमा कितनी पेंशन देगी? तो 2250 रुपए देगी। जैसे अनाथ आश्रम वाले बच्चों को 1400 रुपए और कैंसर किडनी से जो ग्रसित है उनको 2250 रुपए देगी। ठीक है, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा को कौन सा जो है खेल दिया गया है? तो ये दिया गया है बॉक्सिंग। ठीक है, खेल मंत्रालय द्वारा जो ओलंपिक के संदर्भ में ये दिया गया है कौन सा? बॉक्सिंग गेम दिया गया है। कौन सा दिया गया है? बॉक्सिंग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन है गुजरात से जो है, गुजरात के जूनागढ़ से, कहाँ से? जूनागढ़ से जो है साक्षी नाम की शेरनी लाई गई थी। कहां पर? पीपली चिड़ियाघर में। कहां पे लेके आई थी? पीपली कुरुक्षेत्र में ना, चिड़ियाघर उसमें। तो उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था जिसमें एक की मृत्यु होगी, 3 शावक लेके आई थी वो। ठीक है, तो कहां से? गुजरात के जूनागढ़ से इसको लेके आए थे और पीपली चिड़ियाघर में इसको रखा था। पीपली 3 चिड़ियाघर है, पीपली वाला कुरुक्षेत्र वाला हो गया, एक रोहतक चिड़ियाघर हो गया, एक भिवाड़ी चिड़ियाघर हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे इसकी कौन से मई मंथ के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम @GoswamiSir GOSWAMISir से आप जुड़ जाएं और मेरे फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी डेली आपको बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।